सुपर हीरो मूवीज के मामले में भारतीय सिनेमा हमेशा से ही पीछे रहा है, या यूं बोलूं फ्रिक्शनल मूवीज के मामले में हम वर्ल्ड स्टेज पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं जमा पाए, और इसका एक बड़ा और मेजर रीजन है बजट। साथ ही इंडियन मूवीज जितना वर्ल्ड वाइड पैसा कमाती हैं, उतना तो हॉलीवुड मूवीज का ओवरऑल बजट ही होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि दैविक शक्तियों का प्रदर्शन करवाने के लिए पैसा भी बहुत लगता है, और बजट ही एक ऐसा इशू है जहां सबकी गाड़ियों के गियर अटक जाते हैं। लेकिन जब से ब्रह्मास्त्र मूवी आई है तो बजट वाली प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े स्टूडियोज का हाथ जो सर पे है। और यही सही टाइम है कि मैं बात करूं हमारे कुछ ऐसे देसी कॉमिक सुपर हीरोज की, जिनकी स्टोरी लाइन इतनी फैसिनेटिंग है कि वो एक मूवी तो डिजर्व करते ही हैं। अब वैसे तो इंडियन कॉमिक सुपर हीरोज की कमी नहीं है, जैसे कि नागराज, परमाणु, भेदी, शक्ति, लिस्ट काफी लंबी है, और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें सिर्फ बना दिया और बना के छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि टाइम के साथ इनकी स्टोरी को और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज किया है और इनकी पावर्स को भी काफी बवाल तरीके से दिखाया है। पर इन पे मूवी बना पाना ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी पावर्स और सूट दोनों पे ही तगड़े वीएफएक्स का खर्चा आएगा, जिसे दिखाते दिखाते प्रोडक्शन हाउस के कपड़े उतर जाएंगे। तो इसीलिए आज मैं ऐसे सुपर हीरोज की बात करूंगा जिनपे वीएफएक्स या फिर सीजीआई की ज्यादा मारा मारी ना हो। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सुपर हीरो तिरंगा से। अब इसके बारे में तुम में से कई लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये राज कॉमिक्स को बिलोंग करता है, और जो इसे नहीं जानते वो जरूर इसे देसी कैप्टन अमेरिका समझने की भूल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इस कॉस्ट्यूम। पर मैं तुम्हें बता दूं कि तिरंगा बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर है। तिरंगा का असली नाम अभय देशपांडे है, और ये पेशे से एक जासूस है, पर इसे हल्के में मत लेना क्योंकि इसका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता है। और दौड़े भी क्यों ना, क्योंकि इसके अपोजिट में जो विलन है वो भी काफी ज्यादा शातिर है। तिरंगा के पास कोई सुपर पावर नहीं है, वो एक आम इंसान है जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट होने के साथ साथ तरह तरह के हथियार चलाने में भी माहिर है। अब इसके ऊपर ना तो वीएफएक्स का खर्चा है और ना ही ज्यादा स्टोरी राइटिंग का। अब स्टोरी राइटिंग इसलिए क्योंकि सब कुछ कॉमिक से ही तो उठाना है, बस चाहिए तो विद्युत जामवाल जैसे एक्टर्स जो इसे परफॉर्म कर सकें। अब अपने अगले सुपर हीरो पे बढ़े तो नाम आता है बौखाल का। बौखाल भी राज कॉमिक्स का ही सुपर हीरो है, और जैसा इसका नाम है वैसी इसकी पावर्स भी है। मतलब जय महागुरु बौखाल बोलते ही इसके अंदर थॉट जैसी सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर इसकी स्टोरी पे आऊं तो बौखाल का असली नाम राजकुमार आलोक है, जो कि परीलोक से आया था लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके पास पहले पंख भी हुआ करते थे, लेकिन आगे की कॉमिक्स में एक विलन ने इसके पंख ही उखाड़ दिए, जिसकी वजह से बेचारा धरती पे ही फंस गया। अब मूवी का तो पता नहीं, लेकिन इसमें वेब सीरीज जरूर बन सकती है, क्योंकि वीएफएक्स के नाम पे इसकी तलवार से आगे तो निकालनी है, जो कि कर पाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम इस चीज से काफी आगे बढ़ चुके हैं, इवन बेटर कर रहे हैं। शक्तिमान। शक्तिमान यानी पंडित गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओमकार शास्त्री एक ऐसा सुपर हीरो है जिससे हम सभी की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। वो डब्बे वाले टीवी को जोर जोर से थप्पड़ मारकर शक्तिमान को देखना एक अलग ही लेवल का नॉस्टैल्जिया था। और टीवी पे आने के अलावा भी राज कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स ने भी शक्तिमान पे कई कॉमिक्स पब्लिश करी है। अब वैसे तो सोनी पिक्चर शक्तिमान पे मूवी ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, पर वो कब तक आएगी और उसमें शक्तिमान का किरदार कौन निभाएगा इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर हां, मुकेश खन्ना जी इसमें इन्वॉल्व है तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के आखिरी विजिलेंट और एंटी सुपर हीरो, जो कि राज कॉमिक्स से बिलोंग करता है, डोगा पे। अब जो कोई भी इंडियन कॉमिक सुपर हीरोज के बारे में थोड़ा भी जानता है उसने डोगा का नाम तो जरूर सुना होगा। अब डोगा की स्टोरी पे आए तो इसका असली नाम सूरज है, जिसे एक डकैत ने कूड़े के ढेर से उठाया था ताकि वो कुछ पुलिस वालों से पीछा छोड़ा सके। सूरज भी उन डकैत के साथ ही पला बड़ा है, जिस वजह से उसकी मानसिकता भी बिल्कुल उनके जैसी थी। लेकिन एक दिन वो इन सभी कुकर्मों से परेशान होकर वहां से भागकर मुंबई पहुंच जाता है, जहां पर वो लायन जिम नाम के एक जिम में साफ सफाई का काम करने लगा, और वहीं पर ही वो वर्कआउट और मार्शल आर्ट भी सीखता गया। अब ये सब करने का उसका सिर्फ एक ही रीजन था, क्रिमिनल्स को कुत्तों की तरह मारना, क्योंकि डकैती करते करते उसने जो दुख और दर्द लोगों की आंखों में देखे थे उससे वो पूरा बदल चुका था। डोगा को तुम बैटमैन और पनिशर का डेडली कॉम्बो बोल सकते हो, क्योंकि ये बैटमैन की तरह नकाब पहन के रात में शिकार के लिए निकलता है और पनिशर की तरह क्रिमिनल्स को तड़पा तड़पा कर जान से मार देता है। और इसकी इसी जान से मारने वाली आदत से बाकी सुपर हीरोज भी परेशान है। डोगा एक नॉर्मल इंसान है जो कि फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये डेली वर्कआउट करता है, साथ ही ये डिफरेंट तरह के मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है और मोस्टली हर तरह के वेपन्स भी चला सकता है। और इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये डॉग से बात कर सकता है। अब तुम्हें ये अजीब लग रहा है तो डीसी यूनिवर्स में एक मछलियों से बात करने वाला प्राणी भी है। अब वैसे तो और भी कई सारे सुपर हीरोज हैं, जैसे कि सुपर कमांडो ध्रुव, चाकरा, साधु, पर इन पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर आपको कौन सा सुपर हीरो पसंद आया कमेंट में मुझे उसके बारे में जरूर बताना, और अगली वीडियो में कौन कौन से इंक्लूड होने चाहिए उसके बारे में भी मुझे जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को देख के आपको खुशी हुई, मजा आया तो लाइक तो मार ही देना इस वीडियो पे, और चैनल पे अचानक से प्रकट हो चुके तो सब्सक्राइब भी ठोक ही देना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।